So good morning everyone. Today we are going to start with our last chapter of business studies grade 11, that is internal trade. इसके बाद भी हमारे पास एक और चैप्टर बचता है इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस. वो हम चेक करेंगे कि जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से कौन कौन से टॉपिक CBSE ने डिडक्ट कर दिए. ओके, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट. हमारे टर्म टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरनल ट्रेड. सो ट्रेड क्या होता है, ये हम पहले ही अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ट्रेड मीन्स प्लेस फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ऑफ टू टाइप्स. मतलब एक ऐसी प्लेस या एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड. तो एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड हमारे पास दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. ओके, हमारे चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड. हम पूरा चैप्टर इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है. सो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री. मतलब हमने इंडिया के अंदर अंदर ही किसी एक पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी या उनसे उनको बेची, ठीक है. सो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. सो इंडिया में इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स हैं हमारे पास, होलसेल एंड रिटेल. होलसेल का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि यार वो बंदा होलसेलर है, वो बंदा रिटेलर है. होलसेलर कौन होता है, जो पर्सन हु बाइज गुड्स एट अ लार्जर क्वांटिटी, जो कि बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, उन पर्सन को हम बोलते हैं होलसेलर्स, ठीक है. तो वो होता है हमारा होलसेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे नॉर्मल शॉपकीपर्स जो मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास, वो शॉपकीपर्स को हम बोलते हैं रिटेलर्स, बिकॉज दे सेल क्वांटिटीज इन अ स्मॉल लॉट्स. सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू फाइनल कंज्यूमर्स, फुल स्टॉप. फाइनल, इट इज अ फाइनल स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ठीक है. सो सबसे पहले गुड्स कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर. उसके पास वो गुड्स कहां पे जाएंगे, होलसेलर के पास. होलसेलर आगे किसको देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को. डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसको देगा, रिटेलर को. रिटेलर आगे किसको बेचेगा, कंज्यूमर को. सो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है. हमारे पास बेसिकली दो तरह के बिजनेसेस हैं, होलसेल एंड रिटेल. सो कंज्यूमर, अल्टीमेटली हम गुड्स की बात क्यों करते हैं, गुड्स हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं अपनी शॉप पे, हम गुड्स को क्यों रखते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम उस गुड्स को बेच सकें, किसको, उसके फाइनल कंज्यूमर्स को, मतलब कस्टमर्स को, ठीक है. सो कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचने तक हमारे पास जो कस्टमर से लेके प्रोड्यूसर तक का जो लिंक है, तो ये फाइनल स्टेज को कौन कंप्लीट करता है, रिटेलर. सो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बल्क क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी आएगी. यहाँ पे हम गुड्स परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, यहाँ पे हम गुड्स बेचते हैं कंज्यूमर से, ठीक है. सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, लार्जर क्वांटिटी, स्मॉल लॉट्स. ओके, सो उसके बाद जैसे कि ये देखो, मैंने एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया. प्रोड्यूसर आगे गुड्स देगा होलसेलर को, होलसेलर आगे किसको बेचेगा, रिटेलर को, ठीक है. इसने गुड्स बेची इसको और ये गुड्स देगा इसको. नेक्स्ट, होलसेल ट्रेड के हमारे पास क्या फंक्शंस अवेलेबल है. मतलब अगर कोई पर्सन होलसेल ट्रेड में इन्वॉल्व है, कोई पर्सन अगर मेरा कोई होलसेल बिजनेस है, तो होलसेल बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास, देखो. बाइंग एंड असेंबलिंग, जो होलसेलर है वो क्या करता है. अब जैसे कि मान लो मेरा होलसेल का काम है गारमेंट्स का, ठीक है. सो मेरे पास शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, मैं दोनों की होलसेल करता हूँ, ठीक है. सो सबसे पहले मैंने क्या किया, लार्ज क्वांटिटी में शर्ट्स बाय की एक मैन्युफैक्चरर से, ठीक है. फिर उसके बाद टी शर्ट्स मैंने किसी और मैन्युफैक्चरर से बाय की, अगेन इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है. तो इन दोनों को मिला के मेरा होलसेल बिजनेस बनेगा. इसका मतलब जो होलसेलर है वो असेंबलिंग का भी काम करता है. असेंबलिंग का मतलब जगह जगह से उसके पार्ट्स लेके आने. फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर मेरा मोबाइल फोन का होलसेल बिजनेस है, या फिर मेरा कोई टीवी असेंबलिंग का कोई बिजनेस है, तो मैंने क्या किया, स्क्रीन कहीं से मंगवाई, उसका रिमोट कहीं से मंगवाया, उसके बटन्स मैंने कहीं से मंगवाए, उसकी डिस्प्ले मैंने कहीं और से मंगवाई. लेकिन ये हर एक चीज़ हम बाय करेंगे बल्क क्वांटिटी में, ठीक है. सो होलसेलर इज अ पर्सन हु बाइज एंड असेंबल गुड्स फॉर फर्दर रीसेल टू द रिटेलर. द सेकेंड वन इज ब्रेकिंग द बल्क.
अब यहाँ पे ब्रेकिंग द बल्क, इसमें क्या आएगा कि जो होलसेलर है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एक्वायर करेगा प्रोड्यूसर से। जैसे कि एक होलसेलर ने 1000 पीसेस बाय की मैन्युफैक्चरर से, 1000 पीसेस। और भाई जो शॉपकीपर है उसकी तो इतनी लिमिट ही नहीं है भाई, तो होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर कहता है मैं तो 100 पीसेस लूंगा एक टाइम पे, रिटेलर कहता मैं तो होलसेलर से 100 पीसेस एट ए टाइम लूंगा। तो ब्रेकिंग द बल्क का मतलब क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी को बाय करके उसके छोटे छोटे लॉट्स प्रिपेयर करना। 1000 गुड्स हमने एक्वायर कर ली, लेकिन उसके हमने 100 के छोटे छोटे पैकेजेस बना लिए ताकि आगे रिटेलर को बेचना ईजी हो जाए। ठीक है, द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, जैसे कि अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करनी है, होलसेल बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। बिकॉज जब हम गुड्स को बल्क क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर की फैक्ट्री से लेके अपने गोडाउन तक पहले माल लेके आएगा। ठीक है, सब कुछ इसी इन्हीं के इन बिटवीन चलेगा। सबसे पहले होलसेलर प्रोड्यूसर की फैक्ट्री से अपना माल यहाँ पे मंगवाएगा अपने गोडाउन में, फिर यहाँ से उसकी दोबारा से रीपैकिंग करके वो रिटेलर को भेजेगा। ठीक है ना, द नेक्स्ट वन इज रिस्क बियरिंग। अब होलसेलर कई बार कुछ ऐसी गुड्स में भी डील कर सकता है जो कि पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, मतलब कि जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं गुड्स, जैसे कि ईटेबल्स, ब्रेड, बटर, मिल्क। ठीक है ना, अगर हमने ब्रेड को बहुत लार्ज क्वांटिटी में बाय किया तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 2 या 3 दिन के बाद ख़राब हो जाए। ठीक है ना, तो कहता यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिस्क है, अब भाई किसी प्रोड्यूसर, किसी होलसेलर ने 1000 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ब्रेड्स बाय तो कर ली, लेकिन अगर वो पर्सन 2 दिन के अंदर अंदर इसको बेच पाया, ठीक है, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर नहीं बेच पाया, जो प्रोडक्ट्स उसके पास बच गए वो उसका क्या होगा, लॉस। इसका मतलब यहाँ पे होलसेलर एक तरह का रिस्क भी लेता है। अब चाहे तो उसकी गुड्स बिक भी सकती हैं मार्केट में या फिर उसकी गुड्स बच भी सकती हैं। यहाँ पे एक चीज़ का और रिस्क आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने शर्ट्स और टी शर्ट्स का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है ना, अब भाई किसी होलसेलर ने लार्ज क्वान्टिटी में शर्ट्स को बाई तो कर लिया, लेकिन उसको 2 महीने लग गए वो स्टॉक को क्लियर करने के लिए, मतलब कि वो 2 महीने तक रिटेलर्स को अपना माल बेच नहीं पाया। और ड्यूरिंग द 2 मंथ्स सीजन ही चेंज हो गया, मतलब समर से विंटर या विंटर से समर आ गया, तो जब डिमांड चेंज होगी लोगों की या टेस्ट चेंज हो गया या फैशन में कोई चेंज आ गया, तो अगेन उसका जो रिस्क है वो कौन बेयर करेगा, इंडिविजुअल होलसेलर। नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, पैसा प्रोवाइड करना। ठीक है ना, जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर्स को पैसा प्रोवाइड करता है, एक तरह से उनकी हेल्प करता है फाइनेंशियली, कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करो, आपके पास स्किल्स हैं, मैं सिर्फ बेचूंगा। ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो होलसेलर कहता है ठीक है मैं आपको पैसा प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, सिमिलरली जब होलसेलर प्रोड्यूसर को लोन दे सकता है तो वो आगे रिटेलर को भी क्रेडिट देता है, मतलब कि ऑन क्रेडिट गुड्स बेचता है। ठीक है ना, होलसेलर ने रिटेलर किसी शॉपकीपर को माल भेजा, लेकिन उसको बोल दे कि भाई हम तेरे पास 15 दिन के बाद पेमेंट लेने आएंगे, तो वो 15 डेज का हमारा क्या होता है, वो क्रेडिट पीरियड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। द लास्ट वन इज प्राइसिंग एंड ग्रेडिंग। होलसेल बिजनेस में जो प्रोडक्ट का प्राइस है, मतलब कंज्यूमर को हमने कितने का बेचना है, वो चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, वो चीज़ स्टार्ट होती है होलसेलर से। होलसेलर इज द सोल पर्सन हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, फिर वही प्राइस रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर आके अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको कंज्यूमर को बेचेगा, लेकिन जो बेस है वो कौन डिसाइड करता है, होलसेलर। नेक्स्ट वन इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। एक होलसेलर का बहुत बड़ा बिजनेस है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, जगह जगह से सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे किए और अपने गोडाउन में ला के उसको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। शर्ट्स एक रैक में, टी शर्ट्स एक रैक में, ट्राउजर्स एक रैक में, टीवी एक रैक में या एक स्लैब्स में, ठीक है ना। तो ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। दीज आर द बेसिक फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय होलसेल बिजनेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिटेल ट्रेड। सो सेल ऑफ गुड्स इन अ स्मॉल लॉट्स टू फाइनल कंज्यूमर। अब होलसेलर ने तो भाई लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से बाय किया था, लेकिन जो रिटेलर है वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता और आगे बेचता किसको है, कंज्यूमर्स को। दिस इज अ फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया।
कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचने से पहले जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो रिटेलर पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेड हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करेगा, मोस्टली सेम फंक्शंस है। द फर्स्ट वन इज असेंबलिंग गुड्स, जैसे कि ये पर्सन गुड्स असेंबल करता है एक दुकान पे। एक नॉर्मल अगर हम ग्रोसरी स्टोर की बात करते हैं तो भाई ग्रोसरी स्टोर के पास बहुत सारी आइटम्स होती हैं दुकान पे, बहुत सारी नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है ना। तो जो उसके पास इतनी सारी नंबर ऑफ आइटम्स है वो एक बंदे से थोड़ा ना बाय करेगा, उसके बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, ठीक है। तो वो जगह जगह से माल इकट्ठा करता है फिर आगे कंज्यूमर्स को बेचता है। नेक्स्ट कन्वीनियंट लोकेशन, जो रिटेलर्स होते हैं मोस्टली वो ऐसी लोकेशंस में अपनी शॉप को ओपन करते हैं जहाँ पे उनके कंज्यूमर्स इजीली उनसे गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकें, ठीक है ना। बेसिकली होलसेलर ऐसी जगह पे नहीं होते। आपने देखा होगा जो हमारे पास फैक्ट्रीज लगती हैं वो शहर से मोस्टली बाहर होती हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों से जितना भी माल आता है वो हमारे पास ऐसी ऐसी लोकेशंस में मिलता है हमें अपनी सिटी में जहाँ से कंज्यूमर ईजिली जाके बाय कर सकता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग ये आपको प्लस टू में भी आएगा। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग, फेस टू फेस सेलिंग। रिटेलर जो है वो कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका होता है, होलसेलर का या रिटेलर का, ऑब्वियसली रिटेलर का, बिकॉज ही इज द लास्ट चेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ठीक है। फाइनेंसिंग, जैसे कि रिटेलर को होलसेलर से ऑन क्रेडिट पे माल मिलता है, उधार पे माल मिलता है, वैसे ही रिटेलर अपने कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को आगे माल उधार पे बेचता भी है, ठीक है। रिस्क बियरिंग, अगेन हमारे पास जो रिटेलर, अगर होलसेलर पेरिशेबल गुड्स का काम कर सकता है तो होलसेलर आके बेचेगा किसको, रिटेलर को। तो इसका मतलब रिटेलर का भी बिजनेस किस चीज़ का हुआ, पेरिशेबल गुड्स का। तो अगर कुछ पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब हो गई, वो नहीं बेच पाया दुकानदार, तो सारे का सारा लॉस किसका होगा, दुकानदार का। अगेन कोई उसके पास कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा था किसी चीज़ का जो कि आउटडेटेड हो गया, जिसकी डिमांड ही नहीं रही, उस वो आइटम्स की जो कॉस्ट है वो भी किसको बियर करनी पड़ेगी, दुकानदार को। इसका मतलब द होल एंड सोल रिस्क इज बीइंग लाइन विद द रिटेलर। यहाँ पे सारा रिस्क किसके पास होता है, होलसेलर के पास। यहाँ पे सारा रिस्क किसके पास होता है, रिटेलर के पास, ओके। अब नाउ इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्विसेज। होलसेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और रिटेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओके। साथ साथ नोट डाउन करते रहना, एक बार इसको देख लो। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले सर्विसेज की, सर्विसेज ऑफ होलसेलर, ठीक है। होलसेलर दो पर्सन को अपनी सर्विसेज देता है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, और द सेकंड वन इज रिटेलर। होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से माल खरीदेगा, रिटेलर को आगे माल बेचेगा। तो ये पर्सन अपनी सर्विसेज दो बंदों को देता है, इनको और इनको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को इसकी सर्विसेज क्या क्या होती है, हमने जो फंक्शंस पढ़े थे उसी में से निकलेंगे ज्यादातर। द फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग। जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर्स को फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि होलसेलर जो है वो पैसे उनके एज अ लोन उनको पैसा देता है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। सिमिलरली जो होलसेलर्स हैं वो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी किसको देते हैं, रिटेलर्स को भी देते हैं। मतलब अगर वो लोन प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं तो वो लोन रिटेलर्स को भी देते हैं। यहाँ पे वो देते हैं पैसा, यहाँ पे वो देते हैं गुड्स, ठीक है। विदाउट क्रेडिट वैसे भी कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, अगर हम माल उधार पे नहीं बेच सकते, ठीक है ना। अगर हम माल अपना उधार पे नहीं दे रहे मार्केट में तो हमारा बिजनेस ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। द सेकेंड वन इज प्रोवाइड्स रेडीमेड मार्केट। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ इसका।
मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के लिए देखो यहाँ पे और कौन कौन सी फैसिलिटीज हमें मिल सकती हैं दोनों के केसेस में, ठीक है। द पॉइंट्स आर, लिखो जरा अपने पॉइंट्स साथ साथ। यहाँ पे आएगा फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब प्रोड्यूसर को इस चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है कि भाई जितना भी वो माल बनाएगा वो आगे बेचेगा कैसे, ठीक है। वो काम किसका है? होलसेलर का। होलसेलर अपनी ड्यूटी करेगा, प्रोड्यूसर अपनी ड्यूटी करेगा। तो यहाँ पे होलसेलर प्रोड्यूसर को बोलेगा, भाई तू सिर्फ और सिर्फ गुड्स बनाने पे कॉन्सेंट्रेट कर, गुड्स को बेचना मेरा काम है। सो ऐसे फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आपकी बुक्स में कई जगह पे लिखा होगा फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन, या फिर कई जगह पे लिखा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन, ठीक है ना। कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। ये चीज कौन उनको रियलाइज करवाएगा? होलसेलर। द नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, रिस्क बियरिंग नहीं, रिस्क बियरिंग नहीं अभी करते, एक्सपर्ट एडवाइस। अब जो होलसेलर है वो हर एक रिटेलर से डील करता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रोड्यूसर ने माल किसको दिया? होलसेलर को। होलसेलर ने आके रिटेलर्स को दिया, रिटेलर्स तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये पर्सन डायरेक्टली इन सबसे मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता इन लोगों के पास, और कस्टमर इन लोगों से माल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब होलसेलर दुकानदार के पास जाएगा माल बेचने के लिए, तो दुकानदार उनको बोलेगा कि भाई आजकल ये गुड्स का ट्रेंड नहीं है, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किसी और तरह की गुड्स की डिमांड करते हैं, तो ये बंदा इनकी डिमांड इनके पास आएगी, ये बंदा आगे डिमांड रिवर्ट करेगा इनको। तो भाई ये बंदा अलग अलग जगह पे जाके जब चेक करेगा तो उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, तो ये बंदा अपनी ही फील्ड में एक तरह का स्पेशलिस्ट बन जाता है या एक्सपर्ट बन जाता है। तो फिर ये अपने प्रोड्यूसर को बोलेगा, भाई तो अब ये प्रोडक्ट जो गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन तो अब रोक दे, ठीक है। तो वो उसको बताएगा कि मार्केट में क्या चेंज आ रहा है, लोगों की डिमांड क्या है, लोग किस तरह की क्वालिटी, किस तरह की क्वांटिटी, कौन सा साइज, कैसा टेस्ट, किस तरह की गुड्स को प्रेफर करते हैं, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपर्ट एडवाइस। जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर्स को एक्सपर्ट एडवाइस देता है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, रिगार्डिंग इट्स बाई वे ऑफ इट्स टेस्ट, शेप, साइज एटसेट्रा, ओके। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड्स वेयर हाउसिंग या फिर स्टोरेज फैसिलिटी। अब भाई प्रोड्यूसर तो लगातार गुड्स प्रोड्यूस करता जा रहा है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर का मेन काम नहीं है कि उसने गुड्स कहाँ पे रखनी है, प्रोड्यूसर काम किसके लिए करता है? होलसेलर के। तो इसमें जितनी भी प्रोडक्शन की साथ के साथ वो किसके पास आएगी? होलसेलर के पास। तो होलसेलर कहता कि भाई तुझे काम, तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरे सारे के सारे प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, तेरे पास जितनी भी आउटपुट बनेगी उसको स्टोर मैं करके रखूंगा, ठीक है ना। सो इसका मतलब वेयर हाउसर जो होलसेलर है प्रोवाइड्स स्टोरेज फैसिलिटी टू द प्रोड्यूसर्स। और नेक्स्ट वन अगेन रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग, हर तरह का रिस्क बिजनेस में किसका होगा? होलसेलर का, ओके। एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस, हमने कर लिया, बिल्कुल कर लिया, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ सर्विसेज थी होलसेलर की टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एक बार हम दोबारा से रिकैप करेंगे, अब हम देखते हैं रिटेलर्स के लिए उसके क्या क्या सर्विसेज हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ, availability of goods, next grant of credit आ गया, specialized knowledge आ गई, specialized knowledge, storage facility नहीं, यहाँ पे storage नहीं आएगी, risk bearing, risk bearing, देखो अब यहाँ पे रिस्क बियरिंग का मतलब क्या है और यहाँ पे रिस्क बियरिंग का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब भाई प्रोड्यूसर ने होलसेलर को गुड्स बेची,
अब जब हम किसी की शॉप पे जाके कोई टीवी परचेज करके आते हैं, कोई म्यूजिक सिस्टम हमने बाय किया है, कोई एसी बाय किया हमने, तो भाई शॉपकीपर को हम पैसे दे के आ गए। जो साथ में हमारे पास रिक्शे वाला पर्सन आता है या कोई भी जो हमारी गुड्स को कैरी करके हमारे घर तक पहुंचाने का काम करता है, अगर ड्यूरिंग द ट्रांजिट रास्ते में गुड्स का एक्सीडेंट हो जाए या गुड्स खराब हो जाए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अल्टीमेट कंज्यूमर, नॉट द शॉपकीपर, अगर हमारी पेमेंट पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है भाई, इस ये गुड्स किसके लिए बना रहे हैं? इसके लिए, तो सारे का सारा रिस्क कौन बेयर करेगा? अगेन दूसरी जगह, यहाँ पे रिस्क का मतलब क्या है? जो होलसेलर है वो गुड्स किसको बेचता है? रिटेलर को। तो रिटेलर ने आगे, जब तक रिटेलर के पास गुड्स नहीं पहुँचती, भाई मैं अगर एक होलसेलर था, मैंने एक दुकानदार को फ़ोन किया, भाई मैं तेरा कितना ऑर्डर बुक करूँ? वो कहता सर 100 पीसेस का ऑर्डर बुक कर लो। तो मैंने अपने गोडाउन से 100 पीसेस पैक करवा के उसके लिए भेज दी, लेकिन उसकी दुकान तक पहुंचने से पहले ही वो गुड्स ख़राब हो गई, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो गुड्स स्पॉइल्ड हो गई, या चोरी हो गई गुड्स, ठीक है ना? तो उस केस में सारे का सारा रिस्क किसका होगा? होलसेलर का। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना? नेक्स्ट आ गया फाइनेंसिंग। भाई जो होलसेलर है वो रिटेलर को फाइनेंसिंग, मतलब कि ग्रांट ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ताकि ये रिटेलर्स अपनी कुछ पेमेंट कुछ दिनों के बाद कर सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, कभी भी अगर शॉपकीपर के पास गुड्स ख़त्म हो गई, तो वो कभी भी होलसेलर से अपनी गुड्स मंगवा सकता है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ये हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बंदा इसको कॉन्टैक्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये बंदा डायरेक्टली कभी भी इसको अप्रोच नहीं कर सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? स्पेशल नॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैंने अपने, मेरे पास कोई एक होलसेलर था, वो काफ़ी अच्छा फ्रेंड था मेरा, मैंने उसको बोला यार मैंने एक रिटेल बिजनेस ओपन करना है, तो मेरे को बता मैं किस तरह का बिजनेस करूँ। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, ये बंदा बहुत सारे लोगों से मिला होता है, इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट की, तो वो एक एज एन एक्सपर्ट एडवाइस वो बंदा मेरे को बता सकता है कि मार्केट में आजकल किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, मैं कौन सा बिजनेस ऐसा करूँ जिसमें मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा होगा और रिस्क भी कम होगा, ठीक है? सो इस तरह से इस पर्सन की हमें स्पेशल नॉलेज मिल सकती है। तो ये हमारे पास कुछ सर्विसेज आ गई, फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, फ्रॉम होलसेलर टू प्रोड्यूसर, ये आ ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसेज ऑफ रिटेलर। अब देखते हैं रिटेलर की क्या क्या सर्विसेज हैं। अब पहले रिटेलर सर्विसेज किस किस को देगा, पहले ये बताओ मुझे आप भाई, रिटेलर होलसेलर से गुड्स बाय करता है और आगे बेचता किस तौर कंज्यूमर्स को, तो इसका मतलब इसकी सर्विसेज दो पर्सन को मिलेंगी, या तो होलसेलर को या फिर कंज्यूमर्स को। अब देखो एक दुकानदार अपने कस्टमर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, अगर आप किसी शॉप के रेगुलर कस्टमर हो, तो वो दुकानदार आपको कौन कौन सी रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सेकंड कई बार क्या ऐसा होता है कि राशन वाली दुकान पे हमारा उधार चलता है, होता है ना, कई बार होता है, जो हमारे रेगुलर कस्टमर एक ही दुकान से गुड्स बाय करते हैं, तो मोस्टली वो जो किराना शॉप्स वाले हैं वो उनकी फैमिली का या उनके नाम पे एक उधार खाता शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? So, इसका मतलब ग्रांट ऑफ क्रेडिट, ठीक है? अब जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर को भी फाइनेंसिंग की फैसिलिटी देता है, रिटेलर को भी फाइनेंसिंग की फैसिलिटी देता है, आगे रिटेलर भी अपने कंज्यूमर्स को फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उधार पे गुड्स बेचता है, ठीक है? नेक्स्ट वन, और क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं इसकी, चेक करो जरा बताओ मेरे को फटाफट। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा रिटेल ट्रेड, यस हाँ जी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले है हमारे पास कंज्यूमर्स के लिए न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे ही मार्केट में, अब किसी कस्टमर को कैसे पता लगता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट नया आया, एक कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि कौन सा शैम्पू, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा साबुन, कौन सा कौन सी मैगी का सब्सिट्यूट क्या आया मार्केट में, जब तक दुकानदार उसको बताएगा नहीं, ठीक है ना? सो जैसे ही होलसेलर ने रिटेलर को बताया
भाई अब मार्केट में एक प्रोडक्ट नया आ गया, वैसे ही रिटेलर अपने कस्टमर्स को बताएगा कि सर अब आप जो प्रोडक्ट परचेज करते थे P1, अब इससे बेटर एक और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है P2, जो कि गुड क्वालिटी का है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट प्राइस भी कम है, ठीक है, और साइज भी अच्छा है उसका, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो ये वाला प्रोडक्ट बाय करेगा, इस तरह से वो नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिटेलर अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन सेल्स प्रमोशन। अब देखो, एक रिटेलर अपने कंज्यूमर से सेल्स प्रमोशन कैसे करता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सेल्स प्रमोशन आपको प्लस टू की बिजनेस स्टडीज में ये पॉइंट आएगा, चैप्टर में आएगा मार्केटिंग में, कि हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम, वो उसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। अब भाई अगर किसी दुकानदार ने अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करना है तो वो क्या करेगा, या तो वो डिस्काउंट लगा देगा, या फिर वो कोई ऑफर लगा देगा, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है ना, 10% फ्लैट ऑफ, जैसे कि हम देखते हैं मोस्टली विशाल मेगा मार्ट या फिर ईसी डे या फिर बिग बाजार में हमें ऑफ मिलती है अपनी परचेजेस पे, तो वो होते हैं हमारे पास कुछ सेल प्रमोशन टेक्निक, या फिर किसी तरह के कोई कूपन दे दिए, कोई गिफ्ट वाउचर्स दे दिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास चार पॉइंट्स। एक पॉइंट हम और करेंगे इसका, दैट इज रिटेल ट्रेड। बस इसके चार ही पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। सो देखो, बेसिकली मैं आपको ये टॉपिक क्यों करवा रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना बताना चाहिए कि होलसेल क्या होता है, रिटेल क्या होता है, ठीक है, इनकी सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी अगर कल को आपको कोई टॉपिक आ जाए, ठीक है ना, कि भाई रिटेलर जब कंज्यूमर से डील करेगा तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज होलसेल सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर। अब होलसेलर, एक रिटेलर होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, देखें हम, चलो मैं गो थ्रू इट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सबसे पहले एक बार लिख लें पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, पर्सनल सेलिंग, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कलेक्टिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन, हेलो, इसके भी चार पॉइंट्स हो गए, मैंने इजी वाले पॉइंट्स पिक किए हैं यहाँ पे। तो एक रिटेलर प्रोड्यूसर के लिए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि एक होलसेलर है, वो कहता है यार मेरे पास बहुत पुराना स्टॉक पड़ा है, किसी दुकानदार से उसने बोला, तो शॉपकीपर कहता है ठीक है यार ला मुझे दे, ठीक है ना, लेकिन मैं मार्केट से कुछ परसेंट कम पे लूँगा, मतलब कुछ नॉमिनल डिस्काउंट रेट पे दे के, या फिर कुछ लालच वगैरह या किसी भी तरह का कोई ऑफर दे के, जो रिटेलर है वो होलसेलर से गुड्स बाय करेगा और आगे वही गुड्स आगे दुकानदारों में बांट देगा। पर्सनल सेलिंग, जो रिटेलर है वो होलसेलर के बिहाफ पे उसके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुँचाएगा बाय यूजिंग पर्सनल सेलिंग टेक्निक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अब भाई, अब जब कोई दुकानदार किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा, तो उस फेस टू फेस कॉन्टैक्ट को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अगर रिटेलर माल कंटिन्यू बेसिस पे खरीद रहा है, तो जो आगे होलसेलर है वो भी प्रोड्यूसर से माल कंटिन्यूस बेसिस पे परचेज करेगा, तो इस तरह से इनकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कभी भी रुकेगी नहीं, किसकी, होलसेलर की। मार्केट इंफॉर्मेशन, अब मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, रिटेलर आगे अपने अलग अलग कस्टमर से मिलता है, तो रिटेलर को पता होता है कि भाई मार्केट में किस तरह की डिमांड, किस तरह के कंज्यूमर्स प्रोडक्ट चल रहे हैं, कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है क्या नहीं है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने वो यही इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, होलसेलर को। सो रिटेलर प्रोवाइड्स मार्केट इन्फॉर्मेशन टू द होलसेलर, ठीक है, किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, किस तरह का नहीं। सो यहाँ तक तो हमारा हुआ 25% चैप्टर, क्योंकि अभी इसके बाद हमने करने हैं टाइप्स, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। सो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, टेक केयर।